हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों सारा नू। तो स्टूडेंट्स की हाई डिमांड तो बाद फाइनली पंजाब का नंबर वन बैच ऑफलाइन मोड दे बच्चों स्टार्ट होने जा रहा है। सो आने वाली 2 तरीक नू एक कंप्लीट फुल फ्लैज कोर्स अपना स्टार्ट होगा, जिदे विच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट नू कंप्लीट डिटेल दे विच कवर करवाया जाऊगा। सब तो वड्डी विशेषता, सब तो वड्डा फीचर इस कोर्स का यह है, चाहे तुसी एग्जाम पंजाब पुलिस है, चाहे पटवारी है, या जो भी होर एक्स वाई जेड पी ट्रिपल एस बी का एग्जाम जिन्हों तुसी क्रैक करना चाहते हो, यह सारे लिए बच्चो एक कंप्लीट पैकेज होगा, ठीक है ना। सो इस बैच की कंप्लीट इनफॉरमेशन जी अपनी है वो तुसी इस नंबर पर कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हो। बाकी सब तो वड्डी विशेषता इस बैच की यह है, बराबर तुसी इस बैच में घरे बैठ के लाइव भी देख सकते हो, जेकर तुसी अपने बठिंडा शहर तो बहुत दूर हो, बिकॉज ये पंजाब तो कोने कोने तो बच्चा इस कोर्स में ज्वाइन करेगा। सो मेक श्योर भी तुसी लाइव घर बैठ के इनू ऑनलाइन मोड च लाइव भी देख सकते हो। बाकी जेकर तुसी मान लो लाइव क्लास किसी कारण करके मिस कर दिती, तो थोड़े को फीचर ये भी होगा भी तुहानू इस कोर्स दीआं रिकॉर्डिंग्स मिलनगियां, प्रॉपर फोल्डर्स बन गए, ठीक है ना। होर भी जेकर कोई भी इनफॉर्मेशन लैनी है तो तुसी बच्चो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। फिर दिमाग सवाल होगा भी ऑनलाइन कितना ज्वाइन करना है, ऑनलाइन च बच्चों तुसी अपनी आ ऐप डाउनलोड करनी है रुपिंदर सिद्धू अकैडमी ऐप प्ले स्टोर से जाके, ठीक है ना। उस तो बाद जिन्हें को आईफोन है आईफोन से तुसी डाउनलोड करना है क्लास प्लस, उस तो बाद तुहाडे तो मंगया जाएगा वेरीफिकेशन कोड जिन्हों आप ओ आर जी कोड कहने हैं, वो फिल करना है अपने 5 अक्षर, तो अपने तुसी ये प्यारी जी ऐप ओपन करके ये पंजाब का नंबर वन कोर्स ज्वाइन करना है। ये धमाकेदार जर्नी होगी 4 महीने की, जिदे विच कंप्लीट फुल फ्लैज सिलेबस कवर करवाया जाऊगा, ठीक है ना। सो फाइनली बच्चो गुड विशेस है मेरे वालों, गुड लक है फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धू एजुकेशन जोन विद उड़ान इंस्टीट्यूट। सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। सब तो पहले सारे बच्चे सैशन में वध तो वध लाइक ते शेयर कर दो, क्योंकि अज का सैशन जिहड़ा गा कल की तरह अज का सैशन भी काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि अज के सैशन के आपां सिंपलीफिकेशन के जिहड़े क्वेश्चन है जिहड़े एग्जाम के देखने को मिलेंगे वो आपां स्टार्ट करने हैं, ठीक है। सारे जल्दी तो जल्दी सैशन में लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि अज जिहड़ा सैशन है वो आपां स्टार्ट कर सकिए, ठीक है। अज का सैशन जिहड़ा आपां स्टार्ट कर सकिए, कल की क्लास के आपां की है सारे के सारे बेसिक्स जिहड़े है सिंपलीफिकेशन नूं लैके जिन्हें भी बेसिक्स बनते हैं वो आपां डिस्कस किए थे। अज भी 1-2 चीज़ा मैं स्टार्ट करूंगा वो बेसिक्स दियां, फिर उदू बाद आपां क्वेश्चन नूं करन दे लई तैयार हो जाएंगे। सब तो पहले सारे बच्चे जल्दी जल्दी सैशन नूं लाइक ते शेयर जिहड़ा गा वो कर दो, ताकि अज का सैशन जिहड़ा गा आपां स्टार्ट कर सकिए, ठीक है। आर के बलजीत कोमल सुखवीर हरदीप सिकंदर बलजीत वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वरिंदर सिंह संगा मनदीप सिंह गगनदीप सिंह हरदीप कौर वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निर्मल सुखवीर गुरमिंदर ओलख सारे बच्चे जल्दी तो जल्दी शेयर से लाइक वाला बटन जिहड़ा गा क्लिक कर दो, ताकि अज का सैशन जिहड़ा गा बाकी बच्चों तक भी पहुँच सके। बलजीत तुसी रेगुलरली क्लास लगाओ, तुहाडा मैथ सब तो तेज हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है भी, आपां ज्यादा देरी नहीं करांगे, तो आप अज का सैशन जिहड़ा गा वो स्टार्ट करन जा रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद है भी कल की क्लास तुसी डेफिनेटली लगाई होगी, तो कल की जिहड़ी चीज़ है वो अपन याद होंगियां, ठीक है। कल की क्लास में एक बार थोड़ा रिमाइंड कर देंगे, उदू बाद आप अगे चलेंगे, ठीक है। कल आप कुछ सीखा सीगा सर, कल की क्लास के सीखा सीगा, कल की क्लास के फ्रैक्शन जोड़ना सीखा सीगा, घटाना सीखा सीगा, ये सारिया चीज़ें अं कल की क्लास सीख चुके हैं। उदू बाद असी बोर्डवास रूल जिहड़ा गा
बोर्ड मास रूल जिहड़ा वह भी सीख चुके हैं भी बोर्ड मास की होंगे बोर्ड मास की होंगे ये रूल भी सानू समझ आ चुके हैं बी का मतलब ब्रैकेट होंगे ओ का मतलब ऑफ होंगे डी का मतलब डिवाइड होंगे मल्टीप्लाई एम फोर मल्टीप्लाई ए फोर एडिशन एस फोर सबट्रैक्शन इस सारिया चीजें आप देख चुके हैं उदू बाद सानू यह भी पता लग चुके हैं भी सर जदों भी असी अज क्वेश्चन करांगे अज असी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन करना है हाँ अज असी सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन करने हैं तो अज सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन करन वेले अपने दिमाग दे विच सब तो पहला जिहड़ी चीज आनी चाहिए है वह की है ब्रैकेट सब तो पहला तुहाडा फोकस जिहड़ा होगा वह क्वेश्चन नूं देखदे सार ब्रैकेट ते होना है कि कितने ब्रैकेट तो नहीं हैगी ठीक है दूजे नंबर से अपना जिहड़ा फोकस होगा ऑफ ते होगा तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई हुंदा है तीजे नंबर से अपना फोकस डिवाइड ते होगा चौथे नंबर से अपना फोकस मल्टीप्लाई ते होगा ते एडिशन ते सबट्रैक्शन के बारे में तुहानूं कल भी दस्सिया सीगा भी एडिशन ते सबट्रैक्शन दे विचों कोई भी चीज तुसी पहला या फिर बाद दे विच कर सकते हो लेकिन यह चीज हमेशा लास्ट पे होगी ठीक है मतलब पहले नंबर से ब्रैकेट देखनी है दूजे नंबर से ऑफ देखना है तीजे नंबर से डिवाइड देखना है चौथे नंबर से मल्टीप्लाई देखना है ते एडिशन ते सबट्रैक्शन दोवें इकट्ठे है पंजवें नंबर से इन्हों की वारी आती है यानी कि बिल्कुल लास्ट से आपां इन्हां देखना गा हाँ बिल्कुल लास्ट स्टेप इन्हों देखना गा ठीक है होर आप देखा सर असी फ्रैक्शन जोड़ना देखा सभी किमें दो फ्रैक्शन जोड़िया जाता गा भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके पांच दुनी दस हो गया तीन चौके बारह हो गए दस से बारह किन्ने हो गए बई हो गए तो नीचे आप गुणा करनी होंगी तीन पंजे पंद्रह यह सारिया चीज़ा कल की क्लास से असी सीख चुके हैं ठीक है या फिर इदा की फ्रैक्शन होगी वह भी असं सीख चुके हैं भी दो प्लस एक बटा तीन लिखे है तो तीन दुनी छे छे दे विच एक जुड़िया सत्त हो गया सत्त बटा तीन जिथे प्लस है तो प्लस होगा जिथे माइनस है ना माइनस होगी या फिर मिक्स फ्रैक्शन भी असं देख चुके हैं मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न किमें सोल्व कर देंगे है तीन चौके बारह बारह तक तेरह सर तेरह बटा तीन ये सारिया चीज़ें आप देखिया सगिया ठीक है अज एक होर चीज़ देख लो लास्ट चीज़ है जी देखनी है फिर उदू बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग करांगे तुहाडे सामने सारे क्वेश्चन अज रहणगे इन्ने क वधिया लैवल के क्वेश्चन जिहड़े है वो अज दे सैशन च आपां एंजॉय करने हैगे ठीक है ठीक है चलो भी तो देखो की होंदा गा एक चीज होर सिंपलीफिकेशन जो देखने को मिलेगी मान लो कितने लिखे आ गया पांच बटा छे डिवाइडेड बाय दो बटा तीन ध्यान देखना गा यह चीज सिंपलीफिकेशन से अपन देखने को मिलेगी मान लो कितने लिखे आ गया पांच बटा छे डिवाइडेड बाय दो बटा तीन तो इस चीज को किवें सोल्व करना गा सब तो पहला वह चीज आप देखते हैं भी जे कदे इदा का कुछ लिखे आ गया तो इस चीज को किवें आप सोल्व करना है वह भी देख लो तुम देखो जदों भी तेनों की है दो फ्रैक्शन नू डिवाइड करना पऊगा जदों भी तेनों दो फ्रैक्शन नू डिवाइड करना पऊगा मेरी गल बिल्कुल ध्यान नाल सुननी है जदों भी तेनों किसी दो फ्रैक्शन नू डिवाइड करना पऊगा तो बच्चे नू काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि देखो जे तो मैं अठ नू चार नाल भाग करना है तो बड़ा सुख है सर अठ नू चार नाल भाग किया दो हुंदा है या फिर जे मैं छे नू दो नाल भाग करना है बड़ा सुख है सर तीन हुंदा है या फिर मैं पंद्रह नू पंज नाल भाग करना है बहुत सुख है तीन हुंदा है लेकिन जदों गल आती है फ्रैक्शन नू डिवाइड करन दी ता बच्चा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन अज की क्लास तो बाद मैं गरंटी है उम्मीद है भी तुम कदे भी कंफ्यूज नहीं होगी कदे भी कंफ्यूज नहीं होगे यानी दो फ्रैक्शन नू डिवाइड करन दा सब तो सौखा तरीका सब तो ईजी वे जिहड़ा है वह की हुंदा है भी तुम की करना हुंदा गा तुसी डिवाइड दे साइन नू मल्टीप्लाई दे विच चेंज करना है तुसी कहोगे आ की गल है भी तुसी डिवाइड दे साइन नू मल्टीप्लाई दे विच चेंज करना है मेरी गल दोबारा सुनो जदों भी तुसी दो फ्रैक्शन नू डिवाइड करना है जदों भी तुसी दो फ्रैक्शन नू डिवाइड करना है तुसी डिवाइड दे साइन नू मल्टीप्लाई चेंज करना है ते इह कदों होगा इह कदों मल्टीप्लाई चेंज होगा ए थोड़ी भी उही चेंज हो जूगा भी इह मल्टीप्लाई च कदों चेंज होगा जेकर तुसी डिवाइड दे साइन नू मल्टीप्लाई दे चेंज करना है जेकर तुसी डिवाइड दे साइन नू मल्टीप्लाई चेंज करना है मतलब पांच बटा छे मैं इस डिवाइड दे साइन नू मल्टीप्लाई दे चेंज करना है ता की करना पऊगा डिवाइड तो बाद आने वाली रकम डिवाइड तो बाद आने वाली रकम नू उल्टा देना दोबारा सुनो मेरी गल जेकर तुसी डिवाइड दे साइन नू मल्टीप्लाई दे चेंज करना है तो डिवाइड तो बाद आने वाली रकम नू उल्टा देना है यानी कि दो बटा तीन जिहड़ा है वह तीन बटा दो हो जूगा तो इस तरह अपना डिवाइड का जिहड़ा साइन है वह मल्टीप्लाई दे चेंज हो जाना है इदू बाद कुछ नहीं करना तीन एकम तीन तीन दुनी छे जे कुछ कट्टे आंदा कट देना है इदू बाद सीधी गुणा होगी पांच एकम किन्ना हुंदा है पांच हुंदा है ते नीचे दो दुनी किन्ना हुंदा है चार हुंदा है यानी कि अपना आंसर आजूगा पांच बटा चार
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत वधिया भी, बिल्कुल वैल्यू उपर नीचे हो जाती है। हले आप अगली एग्जाम्पल लवेंगे, फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो आप बिल्कुल प्रिपेयर हो गए फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम फोर एग्जाम्पल मान लो कितने लिखा गया 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। ध्यान देखो, मान लो कितने लिखा है 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। तुहानू गल याद आ गई सर, की गल याद आ गई, भी जदों भी फ्रैक्शन नू डिवाइड करना है, जदों भी दो फ्रैक्शन नू डिवाइड करना है, तुसी की करना है, तुसी कोशिश करनी है भी डिवाइड दे साइन नू मल्टीप्लाई दे विच चेंज किया जाए। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ 4/5 ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ 5/4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਜਮਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦੋ, 2 × 2 2 × 2 = 4। वेरी गुड, इदू बाद 1 × 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 5 ਆਊਗਾ। वेरी गुड, 3 × 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 6 ਆਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 5/6। वेरी गुड भी 5/6। वेरी गुड 5/6। एक होर एग्जाम्पल लैने, फोर एग्जाम्पल कितने लिखा हो 8/9 डिवाइडेड बाय 4/3। ध्यान नाल देखो, मान लो कितने लिखा हो 8/9 डिवाइडेड बाय 4/3। तुसी की करना है सर? कोशिश करनी है भी डिवाइड दे साइन नू आपां मल्टीप्लाई दे चेंज करना है, ते ए डिवाइड दा साइन मल्टीप्लाई च कदों चेंज होगा? जदों डिवाइड तो बाद आने वाली रकम नू उल्टा टंगिया जाऊगा। जदों डिवाइड तो बाद आने वाली रकम नू उल्टा टंगिया जाऊगा, यानी 4/3 जिहड़ागा ए पुट्ठा लमक जूगा, ए हो जूगा 3/4। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ 3 × 3 3/3 ਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 4 × 4 4 × 2 = 8। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁਣ? ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ 2 × 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ 3 × 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 2/3, ਯਾਨੀ ਕਿ 2/3। 2/3 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਔਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਤਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਡੀਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖਿਆ 9/7 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ 4/5। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ 9/7 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4/5, ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, 9/7 ਦਾ ਤਾਂ 9/7 ਰਹੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 4/5 ਜਿਹੜਾਗਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5/4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, 9 × 5 = 45 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੀਚੇ 7 × 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 28 ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 45/28। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 45/28 ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਕਬਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਿੰਨੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੁਖਵੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ, ਰਾਮਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਾਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਮਾਰਕਸ। ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਬੋਰਡ ਮਾਰਕਸ, ਬੋਰਡ ਮਾਰਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਿਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਐਂਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
फिर देखना है भी अंदर केड़ा केड़ा चिन्ह नजर आ रहा है। हाँ सारे अपनी कापी पेन नाल रखेंगे, सारे बच्चे अपनी कापी पेन नाल रखो, ठीक है। सब तो पहला ब्रैकेट दे विच एंट्री करनी है, सब तो पहला ब्रैकेट दे विच एंट्री करनी है। ब्रैकेट च एंट्री करन तो बाद देखना है भी केड़े केड़े चिन्ह है, प्लस द है, माइनस द है, डिवाइड द है, ते फिर तुहानू पता होना चाहिए है भी बोर्ड मास की कहिंदा है। बोर्ड मास च डिवाइड जिहड़ा है डिवाइड एडिशन ते सबट्रैक्शन तो पहला आंदा है, तो सब तो पहला आपां डिवाइड करांगे, तो सब तो पहला आपां की करांगे। वेरी गुड बच्चे ने आंसर भी आ रहे जिमें कि गुरमिंदर का है, जसविंदर, इकबाल, वरिंदर का हैगा, ठीक है। वेरी गुड भी इकबाल सिंह, गुरमिंदर, औलख, वेरी गुड भी, वेरी गुड। हाँ जगसीर तुसी कॉल तो कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर तुम पता होगा इतों का, बाकी तो अगर शो किया जाऊगा, तुसी कॉल भी कर सकते हो। 2 तरीक नूं तुसी विजिट कर सकते हो ऑफलाइन अपने बैच जिहड़ा स्टार्ट हो, 2 तरीक नूं विजिट भी कर सकते हो स्ट्रीट नंबर 1 अजीत रोड से, ठीक है। हाँ तो देखो बच्चो कि पहला क्वेश्चन है, एक बार मैं दस दिना गा। देखो हमेशा मैं एको गल कही है, की गल कही है सर, हमेशा एको गल आपां इह कही है भी जो भी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन देखना है तो सब तो पहला निगाह जाऊगी ब्रैकेट की, भी कितने ब्रैकेट तो नहीं हैगी, भी कितने ब्रैकेट तो नहीं हैगी। जो आप इतने देखा तो इतने अपन ब्रैकेट नजर आ गई, तो इतने अपन ब्रैकेट नजर आ गई, जो ब्रैकेट नजर आ गई तो आप ब्रैकेट के अंदर आ गई, जो ब्रैकेट नजर आ गई तो आप ब्रैकेट के अंदर आ गए। जिमें ही आप ब्रैकेट के अंदर आए तो मैं चिन्ह कड़ा दिखा, एक प्लस का दिखा, एक माइनस का दिखा, एक डिवाइड का दिखा, तो फिर अपन याद आ गया सर बोर्ड मास की कहता है, बोर्ड मास कहता है प्लस माइनस से डिवाइड, डिवाइड का स्थान उपर है कि तो जोड़ते घटाओ तो, डिवाइड का स्थान उपर है कि तो जोड़ते घटाओ तो, यानी सब तो पहला आप डिवाइड करांगे, सब तो पहला आप भाग करांगे, सब तो पहला आप भाग करांगे, यानी सब तो पहला 4 2 भाग करांगे। सर 4 2 भाग किया तो 2 होंगे, मैं क्या बिल्कुल सही गल है, 4 2 भाग करन तो बाद 2 आंदा है, बिल्कुल सही गल है। सर फिर साडे कोल बचा 3 सही 1/4 प्लस 6 माइनस 2, मैं क्या भी देखो जिहड़ा 3 सही 1/4 है यह मिश्रित भिन्न है, यह मिश्रित भिन्न है जिहड़े आपां कल सीखी सी मिक्सड फ्रैक्शन, जिहनू कि मिक्सड फ्रैक्शन कहिंदे आ, इह किवें सोल्व करदे हुंदे, 4 3 12 4 3 12 12 ते 13 सर इह तां 13/4 है, इह तां 13/4 है, ये तो 13/4 है, तो इतने लिखा प्लस 6 अगे माइनस 2 क्योंकि इनू सोल्व करन तो बाद की आएगा 2 आएगा तो बार माइनस पई है, यानी कि हुण तुसी इस ब्रैकेट दे विच आ चुके हो। तो मैं तैनू हमेशा एको गल कही है जदों जोड़ते घटाओ की गल आती है, जदों जोड़न ते घटाउन की गल आती है, तुसी कोई भी चीज़ पहला कर सकते हो, चाहे तो पहला इन्हां दोवां नू जोड़ लो फिर 2 नू घटा दो, या फिर पहला इन्हां दोवां नू घटा लो फिर इहदे विच जोड़ दो, कोई भी फर्क नहीं पऊगा, कोई भी फर्क नहीं पऊगा। यानी कि अगर मैं चाहवां तो पहला मैं 6 चों 2 घटा लैंदा गा, 6 चों 2 घटाए किन्ने हुंदे आ, 4 हुंदे आ, यानी इत्थे 4 आ जूगा, तो इत्थे लिखे 13/4, तो इत्थे आके सानू याद आ गई कल वाली क्लास की भी कल असी इह चीज़ां ते मत्था क्यों मारिया, कल असी इन्हां चीज़ां ते मत्था क्यों मारिया भी कोई भी 2 फ्रैक्शनां नू जोड़न दा तरीका की हुंदा है, तो अपन पता लग गया भी 4 चौके 16 जे प्लस का साइन है तो 16 दे विच 13 जुड़ूगा, 4 चौके 16 जे प्लस का साइन है तो 16 च 13 जुड़ूगा, 16 ते 13 किन्ने होंगे 29 होंगे है, तो नीचे जो भी लिखे सेम आऊगा 29/4, यानी कि अपने कोल इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू, इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू आ चुकी है 29/4, किन्नी आ चुकी है 29/4, ठीक है। तो इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू जी है 29/4 जी है अपने कोल आ चुकी है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। 29/4 आ गया सर, आ की लिखे, आ लिखे 5 सही 1/2, यह भी मिश्रित भिन्न है, यह मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करना आता गा, 2 5 10 10 1 11 सर 11/2 है, यह तो 11/2 है, यह तो 11/2 है, विचाले माइनस का साइन है तो उत्थे लिखे 29/4, की लिखे 29/4, 29/4 लिखे है। हुण की करना गा, हुण एक काम कर सकते हो, की काम कर सकते हो सर, सानू पता गा भी तुसी 2 तरीके दसते हैं, आपां की कर सकते हैं, इदा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इदा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 चौका सर 44 होंगे गा, वेरी गुड, 29 2 किन्ना होंगे 58 होंगे, तो विचाले साइन करता गा माइनस का गा, तो नीचे हमेशा गुणा करी दी होंगी है, यह भी याद होगा भी 2 चौके किन्ने होंगे है 8 होंगे है, तो 44 माइनस 58 किन्ना होंगे है
ਸਰ 44 ਮਾਈਨਸ 58 14 ਆਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਊਗਾ ਤੇ ਨੀਚੇ 8 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 14 ਬਟਾ 8 ਮਾਈਨਸ 14 ਬਟਾ 8 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ 14 ਬਟਾ 8 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 2 7 14 2 4 8 ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 7 ਬਟਾ 4 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚਿਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਈਨਸ 7 ਬਟਾ 4 ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ ਹਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਐਲਸੀਐਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬਈ ਹੋਪ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀ ਬੱਚਾ ਥੰਬਸ ਅਪ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬੀ ਰੱਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਹ ਸੀਗੀ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਲਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਗਾਓ ਬਸ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਡਿਵਾਈਡ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਰੂਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਰੂਲ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਊਗਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਬਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਆਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਸੀ ਜੀਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਬਿੰਦੂ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੀਪ ਮਹਿਰਾ ਪਵਨਦੀਪ ਸੁਖਵੀਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ ਕਵਿਤਾ ਗਰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਆਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਸਿੰਬਲ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਬੋਰਡ ਮਾਸ BODMAS ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ
डिवाइड अपनी जगह एडिशन ते सबट्रैक्शन तो उपर रखता है, जिहड़ी सब तो पहला डिवाइड होगी ते 14 नूं 3 नाल डिवाइड आपां वैसे कर नहीं सकते, जिहदे ते 12 हुंदा 12 नूं 3 नाल करांगे 4 आऊगा, लेकिन इहनूं आपां डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपां इहनूं जस्ट शो कर सकते हां वी 14/3, इहनूं आपां शो कर सकते हां वी 14 नूं 3 नाल डिवाइड करांगे तां 14/3 लिखिया जाऊगा, इहदों बाद इत्थे लिखिया 10, फिर लिखिया प्लस, फिर इत्थे लिखिया -1, की लिखिया है -1, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਫਿਰ 1 ਘਟਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ 10 ਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਦਿਓ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 9 ਆਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ 14/3, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, 3 9 27, 3 9 27, 27 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਜੋੜਾਂਗੇ, 27 ਦੇ 4 31, 31 ਦਾ 41, ਸਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 41/3, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 41/3, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 41/3, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 41/3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 41/3 ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 41/3 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 41/3 ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 41/3 ਆ ਗਈ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ 41/3 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਬਚਿਆ, ਸਰ ਦੇਖੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਿਰਫ ਆ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਸਹੀ 1/3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5/3, ਫਿਰ ਆਫ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 41/3, ਕਿੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 41/3, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਬਲ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫ ਦਾ, ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 41 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ 5/3 ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 41/3, 41 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 205 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 205/9, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ 205/9, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 10 3 30, 30 ਤੇ 31, 31/3, ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ 31/3 ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ 31/3 ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 205/9 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਟੰਗ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਟੰਗ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਟੰਗ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 31/3 ਇਸ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 9/205, 9/205, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੁਛ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 1 3, 3 3 9, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 31 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 31 3 93 ਹੁੰਦਾ, 31 3 93 ਹੁੰਦਾ, 31 3 93 ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 93/205 ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 93/205 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਲਜੀਤ, ਸੁੱਖਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਬਿੰਦੂ ਰਾਣੀ, ਏ ਆਰ ਸੁਥਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੀ ਸੈਮ ਗਿੱਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਂਸਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਲਾਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 8 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਿਆ 12 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3 ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਬਸ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਓਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਮਝਾਓਗੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡੇ 1 ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਮਗਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਗਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਬੀ ਓ ਡੀ ਐਮ ਏ ਐਸ ਬੀ ਓ ਡੀ ਐਮ ਏ ਐਸ ਬੀ ਫੋਰ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਓ ਫੋਰ ਆਫ ਡੀ ਫੋਰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਮ ਫੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਏ ਫੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਸ ਫੋਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਉਣਾ ਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇਗੇ ਇਹਦੀ ਰਿਟਨ ਪੀਡੀਐਫ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਟਨ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਡਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਪੀਡੀਐਫ ਮਿਲੂਗੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚਿਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੈਕਿਟ 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 ਆ ਸੀ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 5 15 3 5 15 ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ 15 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 15 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ 3 5 15 15 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 14 ਤੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 14 / 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 14 / 3 ਆ ਗਈ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 / 3 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14 / 3 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ 30/7 ਆਫ 14/3 ਤੇ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਕੱਟਾਂਗੇ 10 ਵਾਰ ਜਾਊਗਾ 7 ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਕੱਟਾਂਗੇ 2 ਵਾਰ ਜਾਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
वी हुंदा है, किन्ना हुंदा है, वी हुंदा है। इहदा मतलब यह हो गया भी इस पूरे हिस्से की वैल्यू, इस पूरे हिस्से की जिहड़ी वैल्यू है, इस पूरे हिस्से की वैल्यू अपने कोल वी आ चुकी है। इहदा मतलब यह हो गया भी इस पूरे हिस्से की जिहड़ी वैल्यू है, इस पूरे हिस्से की वैल्यू वी आ चुकी है। इदू बाद अपना क्वेश्चन की बन गया सर, छे सही एक बटा दो प्लस अस्सी डिवाइडेड बाई चाली माइनस वी, क्योंकि अब माइनस का साइन सीगा, अब माइनस का साइन सीगा। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इतने माइनस साइन सीगा, हुण की है सर, हुण सानू सिर्फ दो तीन चिन्ह दिख रहे हैं, एक चिन्ह सानू दिख रहा है प्लस का, एक डिवाइड का, एक माइनस का। तो यह भी मैं दसन की लोड़ नहीं भी प्लस ते डिवाइड ते माइनस दे विचों सब तो पहला डिवाइड करांगे, क्योंकि बोर्ड मास दे विच डिवाइड वाला चिन्ह जिहड़ा है वो प्लस ते माइनस तो पहला आउंदा गा। तो पहला डिवाइड होगा, यानी अस्सी नू चाली नाल डिवाइड करांगे। सर ये तो बड़ा सिंपल है, अस्सी नू चाली नाल डिवाइड किया तो दो हुंदा है। मैं क्या बिल्कुल सही गल है, दो हुंदा है, अस्सी नू चाली नाल डिवाइड किया दो हुंदा है, बिल्कुल सही गल है। तो यदा मतलब दो छिके बारह ते तेरह, सर ये तेरह बटा दो हुंदा है, इत्थे प्लस का साइन है, इत्थे माइनस का साइन है, तो इत्थे लिखा है वी, इत्थे की लिखा है वी लिखा है। हुण असीं कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब कोई बच्चा अगर चाहे, कोई बच्चा अगर चाहे सर पहला मैं इन्हां नूं जोड़ूंगा वह भी कर सकते हो, अगर कोई चाहे सर पहला मैं इन्हां नूं जोड़ूंगा वह भी कर सकते। ठीक है, चलो भी देखो, दो दुनी चार, दो दुनी चार, दो दुनी चार, चार ते तेरह किन्ने हो गए सतारह, सतारह बटा दो, आ नीचे दो लिखे सतारह बटा दो, माइनस किन्ने सर माइनस है भी। तो आ भी करना सीख चुके हैं सर, ये भी करना सीख चुके हैं भी इनू गुना करांगे, इधर भी दुना चाली हो गया, यानी सर सतारह माइनस चाली हो गया, सतारह माइनस चाली, तो नीचे दो लिखे तो नीचे दो ही आऊगा, जे नीचे दो लिखे तो नीचे दो ही आऊगा। तो सतारह माइनस चाली किन्ना होंगे सर तेई होंगे, लेकिन वड्डी रकम अगे माइनस का चिन्ह है तो इतने भी माइनस आऊगी, यानी कि माइनस तेई बटा दो, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हाँ देखो टैलीग्राम अपने दोवें चैनल पर, एक तो है रुपिंदर सिद्धू नाम से, ठीक है, तो दूजा है अपना उड़ान इंस्टीट्यूट नाम से। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 सही गल है। ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है, तो अपना आंसर जिन्ना भी बच्चे ने सी ऑप्शन आंसर किया बिल्कुल ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी जिन्ना भी बच्चे ने आंसर किया बिल्कुल ठीक हो गया। तो जिन्ना का गलत भी हो गया घबराने की लोड़ नहीं, क्योंकि अपना उद्देश्य की सीखना है, अपना जिहड़ा एम है वह सीखना है। तो देखो दो तीन दिन बाद जिहड़े बच्चे गलत भी कर रहे हैं वह भी सही करेंगे। ठीक है, हाँ डिस्क्रिप्शन च कोई गल नहीं, डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगा तुहानू टैलीग्राम का लिंक। ठीक है, चलो भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरजंट, बिल्कुल मिलेगी शीट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो भी अगले क्वेश्चन से मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन होर वधिया क्वेश्चन आ गया, एक होर बेहतर क्वेश्चन, एक होर वधिया क्वेश्चन, इदां दा क्वेश्चन भी जिहड़ा गा एग्जाम देखने को मिलता गा, इदां दा क्वेश्चन भी की है एग्जाम देखने को मिलता गा, इदां दा क्वेश्चन भी एग्जाम देखने को मिलता गा। ये तो बहुत वधिया क्वेश्चन हैगा, ठीक है, ये तो बहुत ही वधिया क्वेश्चन है। देखो भी इहदा आंसर की आऊगा, सारे बच्चे कमेंट करके दसो इहदा आंसर की होना चाहिए गा, इस क्वेश्चन का आंसर की होना चाहिए। बिल्कुल गुरजंट, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करो सारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर करो, की आंसर होगा, की आंसर होगा इस क्वेश्चन का, की आंसर होना चाहिए गा, की आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, सारे बच्चे कमेंट करके दसो भी सर इस क्वेश्चन का आह आंसर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टैलीग्राम से पा देंगे, बिल्कुल पा देंगे। सारे बच्चे एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करो भी की आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फोर का की आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर फोर का की आंसर होगा, सारे बच्चे कमेंट करके दसो इस क्वेश्चन का आंसर की होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं इतने कविता का आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर करो भी, वेरी गुड वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करो भी की आंसर होगा इस क्वेश्चन का, की आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर जिहड़ा कि तुहाडे सामने हैगा, इहदा आंसर की होना चाहिए, इस क्वेश्चन का की आंसर होना चाहिए गा, क्वेश्चन नंबर फोर जिहड़ा कि तुहाडे सामने आ चुके हैं। ठीक है, सतारह बटा सोलह भी देखने को मिल रहा है मनिंदर का, मनिंदर का सतारह बटा सोलह आ रहा है, बिंदु का बी आ रहा है, यानी इकती बटा सोलह, गुरप्रीत का ए आ रहा है, यानी दो तरह के आंसर जोड़े है इस टाइम देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ते ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए ते ऑप्शन नंबर बी। इदा के क्वेश्चन करने के लिए चाहे पहला उपरला हिस्सा सोल्व करो, चाहे पहला नीचे वाला करो, चाहे पहला उपरला हिस्सा सोल्व करो, चाहे नीचे वाला करो, लेकिन कुछ तो करो, चाहे पहला उपरला सोल्व करो, चाहे नीचे वाला सोल्व करो,
लेकिन कोई ना कोई चीज तुम सोल्व करनी ही पेगी। ठीक है, देखो भी उपरला भी कर सकते हो, नीचे वाला भी कर सकते हो, कोई भी हिस्सा तुम जो सोल्व कर सकते हो। वेरी गुड भी, वेरी गुड। 17/16, 31/16 दो तरह का आंसर आ रहा है भी, कोई भी हिस्सा पहला सोल्व कर सकते होंगे, चाहे पहला उपरला हिस्सा सोल्व कर लो चाहे नीचे वाला कर लो। ठीक है, चलो आप उपरों स्टार्ट करते हैं, उपरों दी स्टार्ट करते हैं। सर उपर की है, उपर की है, उपर एक डिवाइड का चिन्ह है, उपर एक प्लस का चिन्ह है, उपर एक माइनस का चिन्ह है, एक मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो बोर्ड मास की कहता है, सर बोर्ड मास इको गल कहता है, BODMAS। तुसी आप ही देखो भी इन्हों चिन्ह दे विचों डिवाइड प्लस माइनस गुणा, तो डिवाइड का जो साइन है, डिवाइड का साइन पहला आंदा है मल्टीप्लाई तो, बाकी दे सारे नीचे है। तो सब तो पहला अपना जी प्रेफरेंस देनी है, सब तो पहला जी प्रेफरेंस देनी है वो डिवाइड नूं ही देवांगे। सब तो पहल जी आप देनी है, सब तो पहला जी आप प्रेफरेंस देनी है वो आप किनूं देवांगे, डिवाइड नूं ही देवांगे। वेरी गुड भी, वेरी गुड। सब तो पहला आप पहल डिवाइड नूं ही देनी है, क्योंकि डिवाइड का जो साइन है डिवाइड बोर्ड मास दे विच मल्टीप्लाई एडिशन ते सबट्रैक्शन तो पहला आंदा गा, तो पहला डिवाइड होगा। यदि चार नूं दो नाल डिवाइड करो, चार नूं दो नाल डिवाइड करो, तो चार नूं दो नाल डिवाइड किया तो दो होंगे, चार नूं दो नाल डिवाइड किया दो होंगे। मैं कहा वेरी गुड, इहदा मतलब दो प्लस दो माइनस एक बटा दो गुणा एक बटा चार। वेरी गुड। इदू बाद सर साइन अपने को बचे प्लस का माइनस का गुणा का, प्लस का माइनस का गुणा का अपन पता है भी अपनी जो मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई जोड़ से घटाओ तो भी पहला आंदा है, मल्टीप्लाई जोड़ से घटाओ तो भी पहला आंदा है बोर्ड मास। तो सब तो पहला करांगे मल्टीप्लाई, यानी कि इतने अपने को लिखा सीगा दो प्लस दो माइनस, जो गुणा करांगे एक नूं एक नाल कीता एक हो गया, दो चुके किन्ने हो गए अठ हो गए। वेरी गुड सर। इदू बाद दो ते दो चार हो गए, चार माइनस एक बटा अठ करांगे, जो चार माइनस एक बटा अठ करांगे तो यह सानू करना आंदा है, मल्टीप्लाई करो अठ चुका बत्ती, अठ चुका बत्ती, जे माइनस है तो माइनस होगा, बत्ती चो एक माइनस किया कितना होंगे कत्ती होंगे, तो नीचे अठ लिखे तो अठ आऊगा, कत्ती बटा अठ। एदा मतलब की हो गया सर, एदा मतलब यह हो गया उपरले हिस्से की वैल्यू है, उपरले हिस्से की वैल्यू आऊगी कत्ती बटा अठ। वेरी गुड, हाँ कत्ती बटा अठ। वेरी गुड, उपरले हिस्से की वैल्यू कत्ती बटा अठ आऊगी, उपरले हिस्से की वैल्यू कितनी आऊगी कत्ती बटा अठ आऊगी। हुण आपां आ जांदे हां निचले हिस्से ते, हुण आपां आ जांदे हां निचले हिस्से ते भी निचले हिस्से की वैल्यू की आऊगी, नीचे वाले हिस्से की वैल्यू की आऊगी। तो नीचे जो आप देखांगे तो नीचे देखो की लिखा गा, नीचे लिखे है माइनस डिवाइड प्लस, माइनस डिवाइड प्लस, सर सब तो पहला डिवाइड होगा, इस नूं पता लग चुका है सब तो पहला डिवाइड होगा। तो तीन नूं जदों डिवाइड करांगे एक बटा चार नाल, यह चीज भी मैं दस चुका गा, तीन नूं डिवाइड करांगे एक बटा चार नाल, तां डिवाइड दे चिन्ह नूं गुणा च बदलिया जा सकता है, डिवाइड दे चिन्ह नूं गुणा च बदलिया जा सकता है, किवें, डिवाइड तो बाद आन वाली चीज नूं उल्टा टंग के, डिवाइड तो बाद आन वाली चीज नूं उल्टा टंग के, यानी एक बटा चार जिहड़ा है ये चार बटा एक हो जूगा, तीन चौके बारह, बारह बटा एक का मतलब हुंदा है बारह, बारह बटा एक का मतलब हुंदा है बारह, यानी कि इहनूं डिवाइड करन तो बाद अपने कोल बारह आ गया, तीन नूं एक बटा चार नाल डिवाइड करन तो बाद अपने कोल बारह आ गया, यानी अठ माइनस बारह, तो इत्थे अपने कोल लिखे प्लस प्लस छे। हुण कुछ भी कर लो, चाहे पहला अठ ते छे नूं जोड़ लो, अठ ते छे किन्ने हुंदे है सर, अठ ते छे चौदह हुंदे है, ते चौदह चो बारह गए किन्ने हुंदे है सर दो हुंदे है। इहदा मतलब की हो गया सर, इहदा मतलब नीचे वाले हिस्से की वैल्यू दो आ गई, नीचे वाले हिस्से की वैल्यू किन्नी आ गई दो आ गई, तो उत्थे लिखे कत्ती बटा अठ, उपरले हिस्से की वैल्यू आई है कत्ती बटा अठ, उपरले हिस्से की वैल्यू आई है कत्ती बटा अठ, तो नीचे वाले हिस्से की वैल्यू आई है दो, नीचे वाले हिस्से की वैल्यू आई है दो। अपन पता होना चाहिए भी जो नीचे कुछ ना हो नीचे एक होंगे, जो नीचे कुछ ना हो नीचे एक होंगे, तो यह चीज पलट आती होंगी है, ये चीज पलट आती होंगी है, ये चीज पलट आती होंगी है, यानी कि इस चीज में आप इदा लिख सकते हैं कत्ती बटा अठ, ये चीज जो पलटूगी तो गुणा हो जूगी उल्ट के, उल्ट के मतलब दो बटा एक, एक बटा दो बन जूगा, जो गुणा करूंगे कत्ती एकम कत्ती होंगे, तो अठ दूनी सोलह होंगे, तो अपना आंसर आऊगा कत्ती बटा सोलह। वेरी गुड भी।
ठीक है 31/16 जिन्हें बच्चे ने 31/16 ऑप्शन नंबर बी आंसर दिता सीगा बिल्कुल ठीक हो गया वेरी गुड तो क्वेश्चन अपने आप दे विच बहुत ज्यादा वधिया है बाकी आने वाले दिनों आपां हर तरह का क्वेश्चन करांगे चाहे वह स्केयर रूट वाला होवे चाहे क्यूब रूट वाला होवे चाहे कितना मर्जी वड्डा क्वेश्चन होवे हौली हौली फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी करांगे फ्रैक्शन किहड़ी वड्डी है किहड़ी छोटी है उस सारियां चीजां भी तुहानूं देखण नूं मिलणगियां पर सैशन नूं कंटिन्यू तुसीं ज्वाइन करना गा लगातार ज्वाइन करना गा ठीक है लगातार तुसी सेशन में ज्वाइन करना गा अगले क्वेश्चन में मूव कर देंगे अगला क्वेश्चन एक होर वधिया क्वेश्चन जिहड़ा गा अगला क्वेश्चन एक होर वधिया क्वेश्चन आपां नूं देखण नूं मिल गया जिहड़ियां चीजां कल सिखियां सीगियां वो चीजा इंप्लीमेंट करन दा वेला आ चुका है तो क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 जिहड़ा है वो करके दिखाओ भी की आंसर क्वेश्चन नंबर 5 दा होगा वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 5 दा आंसर करो भी क्वेश्चन नंबर 5 दा की आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का की आंसर होगा सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो भी क्वेश्चन नंबर 5 जिहड़ा है क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत वधिया क्वेश्चन हैगा इहदा आंसर करो सब तो पहला ब्रैकेट सोल्व करनी है सब तो पहला ब्रैकेट दे बिल्कुल अंदर आ जाना तो देखो इत्थे भी ब्रैकेट है इत्थे भी एक ब्रैकेट है तो सब तो पहला इस ब्रैकेट नूं सोल्व करना है सब तो पहला इस ब्रैकेट नूं सोल्व करना है फिर उदू बाद वारी आऊगी ऑफ दी कारी वारी आऊगी ऑफ दी फिर ऑफ तो बाद गुना करांगे करके देखो भी सारे बच्चे ठीक है सारे बच्चे करके देखो भी की आंसर जिहड़ा गा इस क्वेश्चन का आऊगा की आंसर इस क्वेश्चन का आऊगा ये करके दिखाओ ये क्वेश्चन करके दिखाओ सारे बच्चे दसो भी की आंसर इस क्वेश्चन का आऊगा मैं क्वेश्चन करने तो बाद क्वेश्चन कभी गलत करोगे ठीक है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਰੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਵੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੀ 33/20 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾਗਾ 33/20 ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ मैक्सिमम जिहड़ा आंसर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है वेरी गुड हाँ ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम आंसर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए तो देखते हैं भी केड़ा आंसर तुहाडा सही होगा केड़ा आंसर तुहाडा सही होगा देखने वाली गल होगी केड़ा आंसर तुहाडा एग्जैक्टली सही होगा यह देखने वाली गल होगी ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम आंसर आ रहा है 33/20 वेरी गुड चलो भी देखते हैं किवें इस क्वेश्चन करना सीगा किवें इस क्वेश्चन करना सीगा तो आप हमने देखते हैं देखो की करना गा सब तो पहला ब्रैकेट सर सब तो वड्डी ब्रैकेट है आप ब्रैकेट के बिल्कुल अंदर जाना है कितने जाना है ब्रैकेट के बिल्कुल अंदर जाना है जो ब्रैकेट के बिल्कुल अंदर आए सर एक ब्रैकेट आप नहीं देखने को मिली एक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट पहला ओपन करते हैं इन खोलेंगे यानी कि आप करना है इस ब्रैकेट च आ गए सर जो इस ब्रैकेट आ गए सानू की दिखाया सानू दिखाया 2/5 सानू दिखाया -16/62 फिर सानू दिखाया +11/62 हुण तुहानू याद आजूगा कल जदों आपां फ्रैक्शन नूं जोड़ना या फिर घटाउणा सिख रहे सीगे तां उदों एक चीज कीती सी सर जदों भी दो फ्रैक्शन दे हर सेम हुंदे है मतलब कि जिवें फ्रैक्शन इदां दे ना जदों भी दो फ्रैक्शन दे डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले हिस्से यानी कि हर सेम हुंदे है तां मैं दस्सा सी 4 4 4 इत्थे भी 4 आऊगा 4 4 4 इत्थे भी 4 आऊगा जिथे प्लस तां प्लस होगा 3 3 5 8 हुंदे है 4 2 8 आंसर 2 आ गया ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਅੱਗੇ 16 ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ 16 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ 16 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 16 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 16 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 62 ਇੱਥੇ 62 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 62 ਹੀ ਆਊਗਾ ਨੀਚੇ ਤਾਂ 62 ਹੀ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 16 ਪਲੱਸ 11 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 16 ਪਲੱਸ 11 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
माइनस पांच होंगे है, बिल्कुल ठीक है। इस बार बार की लिखे है दो बटा पांच, की लिखे है दो बटा पांच, सर दो बटा पांच माइनस पांच बटा बाट, माइनस पांच बटा बाट। तो हुण की करना है सर, ये तो करना आने लग ही गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की करांगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी बाट नू दो नाल गुणा किता कितना होंगे है 124 होंगे है, कितना होंगे 124 होंगे है, तो जो पांच नू फाइनल गुणा करांगे कितना होंगे 25 होंगे है, तो बचाली साइन का दे माइनस दे, तो नीचे की लिखे है नीचे पांच ते बाट की गुणा होगी 60 × 5 = 300, 5 × 2 = 10, 310। तो इदू बाद की करना है सर, इदू बाद तो जमा सिंपल काम है, 124 - 25 करना है, 124 चो जो 25 माइनस करांगे भी 124 - 25 कितना होंगे है सर, 124 चो 24 = 100, 100 चो 99 होंगे है, तो 99 / 310, 99 / 310 बन जाएगा, 99 / 310 बन रहा है, ठीक है। तो आप की करेंगे 99 / 310 बन जाएगा, तो ना लिखो भी 99 / 310 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो दोबारा 99 / 310 हले आप ब्रैकेट की वैल्यू कढ़ी है, सारे बच्चे ध्यान देखो, हले आप ब्रैकेट की वैल्यू कढ़ी है, इस ब्रैकेट की वैल्यू हले तो ब्रैकेट की वैल्यू कढ़ी है सर, हले तो सिर्फ ब्रैकेट की वैल्यू कढ़ी है, 99 / 310, 99 / 310, 99 / 310, 99 / 310 भी दस तो दिता, 99 / 310 यानी कि ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 99 / 310। ते उदू बाद अपनी वारी आऊगी ऑफ दी, उदू बाद अपनी वारी आऊगी ऑफ दी, यानी कि 5/6 ते ऑफ दा मतलब की हुंदा है गुणा हुंदा है, की हुंदा है गुणा, यानी उदू बाद ऑफ सोल्व करना है, जो ऑफ सोल्व करांगे देखो 3 × 6, 3 दे पट दी कट्टिया 33 बार, वेरी गुड। इदू बाद 5 दे पट दे नु कट्टो, 5 दे पट दे नु कट्टांगे 62 बार कट्टिया जाऊगा, 62 बार, ठीक है। तो हुण अपने कोल 33/, देखो ध्यान नाल देखो अपने कोल बनया 33/, इत्थे देखो 62 नू 2 नाल गुणा करांगे तां किन्ना आऊगा 124 आऊगा, यानी 33/124 आ गया। इदू बाद आह चीज बची है 6 सही 1/5 गुणा, 6 सही 1/5 गुणा, ते इहदा मतलब की हुंदा है 5 × 31 = 31/5, 31/5 गुणा 33/124। तो तुसीं देख सकते हो भी हुण आपां नूं की पता है सर, हुण सानूं इह पता है भी 31 दे पाड़े ते 124 चार वार जाऊगा, 31 × 124 हुंदा है, ते उपर की बचा सर उपर 33 बचा है, ते नीचे नीचे 5 × 20 हुंदा है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया 33/20, वेरी गुड। वेरी गुड भी, वेरी गुड, सारे समझा रहेगा, वेरी गुड, ठीक है। जो यहोजे सवाल करने लग गए तो बस बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है, ठीक है। भी हौली हौली की है भी, जो अपने बेसिक्स क्लीयर हो गए फिर तो आप क्वेश्चन देखियो सी स्पीड नाल करया करने, हले की है बच्चों का बेस जिहड़ा बन रहा गा भी बच्चे मैं कहना कर सकते हैं, भी मैं कहना बच्चे सारे कर सकते हैं, बच्चों का बेस जिहड़ा गा वह हले बन रहा गा, सारे बच्चे की है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो हौली हौली जो बेसिक्स क्लीयर हो गए ना फिर तो अभी देखोगे भी सर क्वेश्चन उड़ाने लग गए उड़ान, फिर तो चक्कन लगे फटे, फिर तो बस ऐ करया करोगे देख के बस ऐ करता वो करता करता आंसर आ गया बस, ठीक है, दैट्स ऑल। देखो प्रदीप की हुंदा है जदों आपां करना हुंदा ना, हले हो सकदा सी नवा सिख रहे हो, तुसीं जदों करोगे तां स्पीड ऑटोमैटिकली बनूगी, हले सी की शुरुआत कीती है, जो तुसीं स्पीड नाल करोगे ना हुण इह समझाउण लगे तां टाइम लगूगा, लेकिन जदों खुद करना होगा तां मैं मिंटो मिंट करके आंसर दे दूंगा, तुसीं वी ऐ करया करोगे समझाने लगे टाइम लगेगा, जो खुद करोगे उदो बोलने पैना ही नहीं गा, बस तरीके सीधा कर लिया, बोलने की लड़ ही सीधा बस चक के आंसर मारता, ठीक है, वो चीज़ का लड़ ही नहीं तेनों करन दी, ठीक है। तो वह तो आंसर खुद भी खुद आऊगा, वो फिक्र तुम नहीं करनी, ठीक है, बस कंटिन्यू सैशन में ज्वाइन करो सारे बच्चे। हाँ वेरी गुड मिस मनप्रीत चहल, हाँ प्रैक्टिस नाल फास्ट हो जाऊगा, बिल्कुल सही गल है, प्रैक्टिस उदू बाद तेन पता होना चाहिए गा भी, एक इनफॉर्मेशन तुम देगा भी 2 तरीक तो 2 जनवरी तो अपना नवा बैच ऑनलाइन ते ऑफलाइन मोड दे विच स्टार्ट हो जा रहा है, पंजाब पुलिस पटवारी पीटर प्लस पी कलर्क एंड ऑल पंजाब स्टेट एग्जाम्स, यानी पंजाब का कोई भी एग्जाम हो ऑनलाइन जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो 2 तरीक न बैच जो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हाँ कोई गल नहीं बलजीत, ठीक है। तो देखो भी की है तो ये बैच जो बहुत वधिया बैच है, ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, तो ये बैच सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हो, 2 तरीक न अपना जो बैच है
नवा स्टार्ट होने जा रहा है तो सारे बच्चे ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी होगी आ नंबर लिखिए दो मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो ठीक है। तो बाकी यूट्यूब की क्लासेस का टाइम टेबल तुम्हें पता होना चाहिए है 8 बजे सवेरे अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होने जा रही होगी है ठीक है। 2 दिन हो गया दूजा दिन सेगा रीजनिंग की क्लास चल रही है 2 बजे 3 बजे इंग्लिश ठीक है 7 बजे जीके तुम्हें पता ही है 8:15 बजे मेरी क्लास जी हम लगा रहे हो ठीक है। ये सारिया सैशन तुम्हें पता ही है पूरी की पूरी टीम जी है उद्धर ऐप को डाउनलोड किवें करना सारे पता है। जो किसी के फोन से ऐप नहीं हैगी प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करके ओपन करके डाउनलोड करनी है। एंड्रॉयड वाले वास्ते है SEZ सिद्धू एजुकेशन जोन जो आईफोन वाले है एप्पल वाले है उन्होंने जी ऐप डाउनलोड करनी है दैट इज क्लास प्लस ऐप तो उन्होंने एक ORG कोड भरना पेगा जो QUQUL है QUQUL तो फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट वधेरी जानकारी भी तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो उडान इंस्टीट्यूट स्ट्रीट नंबर 1 अजीत रोड बठिंडा आज सामने कॉन्टैक्ट नंबर लिखे है इन्होंने कॉन्टैक्ट करके कोई भी वधेरी जानकारी तुम प्राप्त कर सकते हो ठीक है। चलो भी लो भी देखो भी इस क्वेश्चन का आंसर करो इस क्वेश्चन का फिर मैं तुम्हें 4 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा इस क्वेश्चन का एक बार आंसर करो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का एक बार आंसर करो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का एक बार आंसर करो सारे बच्चे ठीक है। इतने ब्रैकेट बंद कर लो इस क्वेश्चन का आंसर करो सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का की आंसर होगा बोर्ड मास बस एक चीज ध्यान रखनी है दैट इज बोर्ड मास ठीक है। इको चीज कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो ठीक है किसी भी फीस वगैरह जो भी पूछना है ठीक है। चलो भाई देखो भाई बोर्ड मास सिर्फ बोर्ड मास बारे पूछना है 6वां क्वेश्चन करने तो बाद 4 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा सारे बच्चे ने जरूर ट्राई करना है ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन दे विच की करना गा इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे देखो भी इस क्वेश्चन को किवें कर सकते हो भी हाँ जी। तो देखो इस क्वेश्चन करना गा यदा आंसर करो भी सब तो पहला ब्रैकेट देखो फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाओ अंदर आके ओपन ब्रैकेट न खोलांगे इस ओपन ब्रैकेट न ओपन करांगे ठीक है। उदू बाद ब्रैकेट तो बाद वारी आऊगी ऑफ की ऑफ तो बाद वारी आऊगी डिवाइड की डिवाइड तो बाद बिल्कुल एंड से वारी आऊगी प्लस की ठीक है। इदा करना गा वेरी गुड आंसर भी आने शुरू हो गए बच्चे देखो 317/40 मिस मनप्रीत चहल सुख का आंसर आ गया बैड गेमर्स का आंसर भी आ चुके हैं बैड गेमर्स गुड गेमर्स बैड गेमर्स इकबाल सिंह का भी आ चुके हैं ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड बच्चों काफी स्पीड बढ़ चुकी है वेरी गुड भी हम तो खिंचता काम से फिर है वेरी गुड बहुत वधिया भी बहुत वधिया खिंच के रखो काम बहुत वधिया चल रहे होंगे बहुत वधिया चल रहे होंगे खिंच के रखो काम ठीक है वेरी गुड ते चूहे दी खड ठीक है। हाँ जी वेरी गुड लाइक ते शेयर वाला काम नाल नाल खिंची चलो भी ठीक है लाइक ते शेयर वाला काम खिंची चलो नाल नाल ठीक है। हाँ जी चलो भी तो ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो देखो सब तो पहला ब्रैकेट विच एंटर करना सीगा ब्रैकेट चेंडर करने तो बाद ओपन ब्रैकेट पहला इस ओपन ब्रैकेट खोलते हैं जमा अंदरली ब्रैकेट आ जाए जमा अंदरली ब्रैकेट है। तो देखो ये मैं कल ही दसा सीगा 4 एकम 4 5 एकम 5 इतने बचाले की है माइनस है नीचे की होगी सर नीचे गुणा होगी 5 का 20 होंगे नीचे गुणा होगी तो 4 - 5 कितने होंगे माइनस एक होंगे है ते नीचे की लिखे है वी लिखे है सर यह माइनस एक बटा वी हो गया मैं बिल्कुल सही है भी यह तो माइनस एक बटा वी हो गया यानी कि इस ब्रैकेट की वैल्यू माइनस एक बटा वी आ गई किन्नी आ गई माइनस एक बटा वी ते उदू बाद वारी आऊगी ऑफ दी उदू बाद वारी आऊगी ऑफ दी क्योंकि ब्रैकेट तो बाद वारी आती ऑफ दी ते इत्थे लिखे 3/2 ते ऑफ दा मतलब हुंदा गुणा इदू बाद गुणा कर दो माइनस 3 बन जूगा 20 × 40 यानी कि अपने कोल माइनस 3/40 आ गया इन्ने इन्ने हिस्से दा आंसर
दोबारा देखो इन्ने इन्ने हिस्से का आंसर माइनस तीन बटा चाली आ गया, माइनस तीन बटा चाली इन्ने इन्ने हिस्से का आंसर, मतलब अपना क्वेश्चन आ बन गया चार प्लस 200 डिवाइड बाय 50 प्लस इतने की है माइनस तीन बटा चाली। सर हूँ वारी आऊगी डिवाइड की, प्लस से माइनस तो बाद इदू भी पहला जो होगा वह की होगा डिवाइड होगा, 200 नूं डिवाइड करांगे कितना आऊगा सर चार आऊगा, कितना आऊगा चार आऊगा, यानी क्वेश्चन बन गया चार प्लस चार। उदू बाद आप पता होना चाहिए प्लस नूं माइनस नाल गुणा करांगे तां माइनस हुंदा है, प्लस नूं माइनस नाल गुणा करांगे तां माइनस हुंदा है, तो इत्थे लिखिया तीन बटा चाली, तो इदू बाद चार ते चार किन्ने हुंदे है सर चार ते चार अठ हुंदे है, तो अठ माइनस तीन बटा चाली करना है, ये आपां नूं कल ही सिख लिया सीगा वी आपां करना की हुंदा है सर इहनूं इहदे नाल गुणा करना है, चाली अठे कितना हुंदा है सर चाली अठे 320 हुंदा है, चाली अठे 320 हुंदा है, तो इत्थे साइन माइनस है तो इत्थे तीन लिखे है, तो नीचे जो चाली है तो चाली आऊगा, 320 तीन गए किन्ने हुंदे है 317, तो नीचे 40 लिखे है यानी आंसर आ गया 317/40 ऑप्शन नंबर बी, यानी जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी आंसर किया बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल 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 ठीक है वेरी गुड, 317/40 ऑप्शन नंबर बी अपना की होगा राइट आंसर होगा। हुण अगे चार क्वेश्चन जिहड़े है वह मैं तुहानूं होमवर्क देण लग्यांगा, ठीक है चार क्वेश्चन अगले चार क्वेश्चन जिहड़े हैगे वह मैं होमवर्क देण लग्यांगा, इहदा स्क्रीनशॉट लै लो वी, जिहड़े असीं मूरले क्वेश्चन कर ले इह तां बहुत ज़्यादा सौखे लगनगे, ये तो बहुत ज़्यादा सौखे लगनगे, ठीक है इस क्वेश्चन का असीं आंसर करो क्योंकि जे तू पहले क्वेश्चन कर ले तां इह तां बहुत ज़्यादा ईजी लगनगे तुहानूं, इहदा स्क्रीनशॉट लै लो फटाफट, ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 देखो कितना घैंट क्वेश्चन हैगा, क्वेश्चन नंबर 8 कल नूं मैं आंसर भी दसूंगा की होणगे, क्वेश्चन नंबर 8 का भी जो स्क्रीनशॉट लै लो, क्वेश्चन नंबर 8 का भी जो स्क्रीनशॉट तुसीं लै लो, क्वेश्चन नंबर 8 तो बाद क्वेश्चन नंबर 9 इहदा मैं सोल्यूशन भी कराऊंगा कल नूं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 इहदा भी स्क्रीनशॉट लै लो सारे बच्चे, तो सारे दब के शेयर कर दो, हाँ बिल्कुल होंगे एक्सपर्ट होंगे बिल्कुल होंगे नो डाउट जे रेगूलरली सैशन ज्वाइन करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 इहदा भी स्क्रीनशॉट लै लो ताकि तुसीं होमवर्क दे विच ये चार क्वेश्चन जिहड़े है वह ट्राई कर सको, ठीक है तो इदू बाद तुहानूं आप ही कॉन्फिडेंस आने लग जूगा भी बाकी सिंपलीफिकेशन चो एक सिंगल नंबर भी साडा कदे कटूगा नहीं, ठीक है ठीक है चलो ठीक है फिर अज दा सैशन किवें लग्गिया आफ्टर क्लास कमेंट बॉक्स च कमेंट करना है, इदू भी ज्यादा वध तों लाइक करना है शेयर करना है ताकि बाकी बच्चे जिन्हां नूं हले पता नहीं लगा भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है उन्हां नूं भी जरूर शेयर करना गा, ठीक है क्योंकि काफ़ी सारी नवी चीज़ें तुहानूं देखण नूं मिलणगे सैशन दे विच, ठीक है तो तुहाडे नंबर कदे भी मैच चों नहीं कटणगे, ठीक है चलो ठीक है फिर अज लई इन्ने।